वेलकम बैक साथियों, एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित हैं आपकी अपनी बेसिक मैथ जीरो लेवल मैथ लेकर के। जीरो लेवल मैथ का मतलब होता है कि जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता है उनको गारंटी के साथ सिखाया जाता है, बस उनको रेगुलर क्लास अटेंड करना होता है और ईमानदारी के साथ काम करना होता है, क्योंकि ईमानदारी से किया गया काम कभी गड़बड़ नहीं होता है। चलिए, प्रतिस्थापन विधि से दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण का सलूशन देखेंगे। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है साथियों? इसमें समीकरण दो जो दिए होते हैं, पहला और दूसरा, उनमें से किसी एक समीकरण को पकड़ते हैं और एक चर राशि का मान निकाल लेते हैं, उसी में बराबर करके दूसरे साइड में, और उसको ले जा करके दूसरे समीकरण में रख देते हैं। बस यही होता है, मेन लफड़ा इन्हीं राशियों का ही होता है। लिखिए समीकरण एक से, इसमें से जैसे यक्स बराबर अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 4 + y। बोलो ना, इतना समझ में आया? अगर नहीं आया तो 2, 3, 4 वाली मैथ देखिए, एकदम बेसिक वाली, वहाँ से आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब क्या होगा, ये जो यक्स का मान है ना, इसको ले जा करके रख देंगे कहाँ? आप इसको यक्स का मान रख दो ले जा करके समीकरण दो में। नीचे लिखिए समीकरण तीन से एक्स के मानों को, या फिर मान को, मान लिखिए ज़्यादा सही रहेगा, एक ही मान आया है, एक्स के मान को समीकरण दो में रखने पर, इसको लिख लीजिएगा समीकरण तीन से एक्स के मान को समीकरण दो में रखने पर। चलिए, दो नंबर समीकरण है, 3x + 2y = 27, एक्स की वैल्यू क्या है 4 + y, चलो ठीक है 3 × 4 + y और +2y = 27, 27। इस तरह से आपका ये हो जाएगा 3 × 12 और ये हो जाएगा 3y, और फिर आगे करोगे तो क्या आएगा, आगे ये हो जाएगा +2y और इक्वल का क्या हो जाएगा 27। ए उधर देखिए, ठीक, कितना हो जाएगा 27, मतलब समझ में आया ना? तो ध्यान देना, इसमें क्या करोगे आप, इसको जोड़ लेंगे, ठीक, 12 + 5y और इक्वल 27। क्यों? क्योंकि ये दोनों सजातीय राशियां हैं, लाइक अनलाइक पढ़े हो ना, लाइक अनलाइक क्वांटिटी बोलते हैं ना, एथ बोलते हैं। चलिए अब इस तरह से यहाँ पर आप निकालोगे तो 5y = 27 - 12, क्योंकि घटेगा है ना, तो फाइनल में अगर हम बोलें तो y बराबर आएगा ये 15/5, यानी कि y का वैल्यू 5 × 15 = 3 आ गया, y का मान कितना आया 3 आ गया। तो अब आप क्या करोगे, इस 3 मान को जो मिला है इसको रखोगे किस में, दूसरे वाले में रख दोगे, वही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए रख देते हैं, फिर देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए इधर समझिएगा, देखिए इसमें y का मान आ गया है, अब क्या करोगे, अब ये जो y का मान आया है उसको समीकरण दो में या तीन में किसी में रख दीजिए और x का मान आ जाएगा, ठीक ना, है ना आसान। चलिए तो इसको मिटा देते हैं, रोड नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी करिए, हो गया। अब y की वैल्यू 3 आई है, याद रहना चाहिए, अब y का मान जो 3 है इसको आप चाहे एक में रख दो चाहे दो में रख दीजिए, ठीक ना, पीछे आप नोट कर लीजिएगा, नहीं लिख पाए तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, क्योंकि आगे पीछे करना तो जानते हैं ना। लिखिए y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है x - y = 4 और y का मान क्या आया है, y का मान 3 आया था, तो x - 3 = क्या होगा 4, यानी कि x = 4 + 3, तो x का वैल्यू क्या आया 7, कितना आ गया 7, है ना, यानी कि x का मान आ गया y का मान आ गया, ये हो गई प्रतिस्थापन विधि, सीख गए ना। तो ये तो आप इसके पहले भी पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि, और वो जो भी विधि थी पीछे हमने आपको पढ़ाया था, लेकिन ये 8 का 1 एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं इसलिए हमने इसको इसमें भी बता दिया। उसके बाद साथियों अगला जो है
कह रहा कि हल कीजिए, समीकरण को हल करना है बस, बाकी कुछ नहीं लिखा है। तो पचवा नंबर में आप वैसे कर सकते हो, इसको हल करना है तो चाहे जैसे भी कर लो, मतलब प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, जो भी विधि आप जानते हो वो विधि लगा सकते हो। और वैसे उम्मीद करते हैं कि आपको हल करना हमने सिखा दिया, आप इक्वेशन हल कर ले जाओगे ना। तो इसको होमवर्क के तौर पे लिख लीजिए। पांचवा क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें पहला है यक्स माइनस वाई इक्वल थ्री, दूसरा इक्वेशन है वन अपॉन टू एक्स और प्लस वन अपॉन टू वाई इक्वल सिक्स। इनको सॉल्व करके एक्स और वाई के मान कमेंट करना है। बहुत आसान है ये, कोशिश करोगे तो आएगा, ठीक ना। इसमें का दूसरा देखिए, सेकंड नंबर, ये पहला नंबर, एक्स का जो वैल्यू है माइनस वाई प्लस वन है और टू वाई इक्वल एक्स माइनस फोर है। इसको क्या करना है, इसको भी करना है, हल करना है। प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि, कोई भी विधि लगाना, लेकिन हल करके बताना, ठीक ना। तो कमेंट करना, अगर नहीं आएगा तो नहीं आता या एन ओ नो लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। ये हो गया पांचवा, हल करना है। इसमें अगला जो क्वेश्चन है उसमें भी हल ही करना है, उसको भी आप करके बताओगे, क्योंकि क्वेश्चन हल करना हमने आपको सिखा दिया है। अब हम पूरी किताब का एक एक सवाल नहीं छपवाएंगे, आप इसको खुद से करोगे। छठवां नंबर में यक्स प्लस वाई इक्वल थ्री, अगर आप 40 क्लास तक पूरा देखे हो तो आपको आ गया होगा, ये पूरा गारंटी है। लेकिन अगर आपने कोई भी क्लास मिस किया तो नहीं आएगा। और हाँ, नहीं क्लास मिल रही है तो नंबर पे संपर्क करिए, नंबर आपको दिया गया है उस पर, और आप देख सकते हैं। वैसे तो आपकी सारी क्लास को YouTube पर फ्री कर दिया गया है, लेकिन जीरो लेवल मैथ में कुछ झंझट है। वो ये है कि जीरो लेवल मैथ में एडवर्टाइजमेंट नहीं आएंगे, अब विज्ञापन नहीं आएंगे, क्योंकि बच्चों के लिए जो YouTube की पॉलिसी है बदल चुकी है। और ऐसी स्थिति में जो एडल्ट एड दिखाए जाते हैं, मतलब किसी भी प्रकार के विज्ञापन बहुत कम आएंगे जीरो लेवल में। तो इस तरह से ये बच्चों वाली क्लास होती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपली नोट कर लिए। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान देना क्या होगा, इसको नोट कर लीजिए, होमवर्क है, हल करके एक्स वाई के मान बताना। देखिए अगले में क्या करेंगे, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। कह रहा कि दो संख्याओं का योग 24 है, यानी कि 24 है, तो उसमें एक संख्या दूसरी की क्या है, दो गुनी है, तो संख्याएँ बताइए। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, पहले आपको समझना होगा, मतलब समझना कैसे क्या होगा। दो संख्याओं के बारे में बात हो रही, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करना है। लिखिए, माना, क्या लिखोगे, माना पहली संख्या बराबर कुछ भी मान लो यक्स वाई, यक्स हो गया, तो दूसरी संख्या क्या होगी। कह रहा कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, आप अनुमान लगा चुके होंगे, ये 2x होगी, क्योंकि दोगुनी है ना। कह रहा था कि उनका योगफल 24 है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार इनका योग x प्लस 2x इक्वल कितना आएगा, 24। दिख तो रहा है ना, थोड़ा क्वालिटी चेंज कर लेना, अच्छा दिखेगा। तो 3x इक्वल 24, यक्स इक्वल 24 अपान 3, 3 8 जा 24, यक्स का वैल्यू आ गया 8। फर्स्ट नंबर इज क्या आ गया, वह 8, सेकेंड नंबर क्या आएगा, यहाँ पर आप लिखोगे, अतः दूसरी संख्या 2x इक्वल 2 इंटू 8 इक्वल 16। ये आंसर हो गया, मैंने उत्तर लिखा नीचे, मतलब पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 16। देखो क्वेश्चन काम कर रहा है कि नहीं इस पर, दो संख्याओं का योगफल 24 है। चलिए पहली दफ़ा हम इसकी जांच करते हैं, 16 में 8 जोड़ो 24 आता है, जी बिल्कुल आता है, पहली कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशन, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है,
देखो 8 और 16 में कोई दोगुनी है। हाँ 8 की दोगुनी 16 है, इसका मतलब दोनों कंडीशन फॉलो करता है, ये जो उत्तर आ रहा है तब सही है ना। उत्तर की आप पड़ताल कर सकते हो, जांच कर सकते हो। तो ये हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। क्लास को लाइक नहीं किए तो तुरंत कर दें, देर ना करें, और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर बजाएं, घंटी की बटन को ना भूलें बजाना, जिससे अगली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले आपको। दूसरा नेक्स्ट सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि दो अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का दूना है। पहले इकाई दहाई का अंक जान लीजिए, वंस टेंस का प्लेस बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि दो अंक की एक संख्या है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इकाई और इसको क्या बोलेंगे, दहाई, ठीक ना। ध्यान दीजिए, अगर 45 आपको कहीं दे दिया जाए तोड़ तोड़ के, अलग अलग 45 तोड़ के दे दिया जाए अलग अलग, तो कैसे बनाओगे 45? मतलब गेस करिए, अगर आपको दिया है क्या दिया है, इकाई का अंक, इकाई का अंक दिया है, वो क्या है इसमें से देखो तो 5 है, और दहाई का अंक क्या दिया है, दहाई अंक 4 है। तो ये बताइए, इकाई दहाई के अंक से हम 45 कैसे लाएंगे? ऐसे थोड़ी बगल बगल लिख लेंगे, ऐसे नहीं होता है। संख्या कैसे बनती है पता है, इकाई का अंक ये दहाई का अंक, तो संख्या बराबर लिखोगे क्या, 10 और गुणा दहाई का अंक। हर संख्या में ऐसे ही करोगे, 10 गुणा दहाई का अंक और धन इकाई का अंक, बराबर ये 45 आएगा। इस तरह से संख्या बनाई जाती है अगर इकाई दहाई का अंक दिया हो तो। ऐसे कोई रूल नहीं होता है कि अगर इकाई दिया है दहाई दिया है तो हम कहेंगे संख्या बराबर 4 के बगल में 5 लिख देंगे, 45 हो गया, ऐसे नहीं होता है। मतलब कि आप जानते हो, इकाई के अंक से दहाई का अंक हमेशा क्या होता है, 10 गुना ज़्यादा होता है, ये तो सभी जानते हैं। और दहाई के अंक से अगर सैकड़ा पे जाएं तो वो भी उसका 10 गुना ज़्यादा होता है, मतलब हर एक स्टेप 10-10 गुना बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है ना। तो ये हो गया तरीका, अब हम इसको क्यों बता दिए, जिससे आपका ये आसान हो जाए। चलिए, कह रहा कि दो अंकों की एक संख्या के इकाई दहाई का अंक के बारे में बात हो रही, तो हम पहले मान लेते हैं, माना इकाई अंक बराबर लिखिए, हल में माना संख्या का इकाई अंक बराबर क्या, एक्स, ठीक। दहाई अंक क्या करोगे भाई, सिंपल सी बात है, अगर इकाई अंक एक्स हो गया तो आप दहाई अंक मान लीजिए, वाई मान लीजिए इसमें, ठीक है ना। दोनों को अलग अलग भी आप मान सकते हो। अब यहां आप लिखोगे दहाई अंक बराबर वाई, ये होंगे इकाई और दहाई अंक जो मैंने यहां पर मान लिया। अब क्या करेंगे, हाँ संख्या बना लो पहले, फिर अगर इकाई दहाई मान लिए हो तो संख्या बराबर 10x+y, सही है क्या। इकाई के अंक में थोड़े गुणा करोगे 10 से, दहाई के अंक में करोगे, तो 10y+x ऐसे होगा, क्या होगा बताओ जल्दी से, जल्दी से बताइए कमेंट करके, कितना आएगा संख्या बराबर, कितना आएगा, 10x+y आएगा कि 10y+x आएगा, पहले आप बताइए कंफर्म करके, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए गुणा जो है कर रहे हैं वो तो हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी भी इस तरह के सवाल में संख्याएं मानते हो ना, तो पहले आप इकाई का अंक नहीं मानोगे, ये बात आपको ध्यान देना है, पहले आप दहाई अंक मानोगे, क्या मानोगे, दहाई अंक, ठीक। दहाई अंक यक्स, अब नीचे लिखोगे इकाई अंक, ये तरीका याद रखना, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक था, पहले हमेशा दहाई मानोगे। अगर 3 अंक है सैकड़ा भी है तो आप पहले सैकड़ा मानोगे, फिर दहाई मानोगे, फिर इकाई मानोगे, मतलब इधर से चलना है इधर दाहिने साइड को। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अब आपका हमें दहाई के अंक में ही गुणा करना है, तो ये संख्या बराबर हो गई 10x+y, इतना नोट कर लीजिए। आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, कह रहा कि यदि इनके अंकों को पलट दिया जाए, वो तो दूसरा है लेकिन उसके पहले भी कुछ है। कह रहा कि इकाई का अंक दहाई के अंक का दूना है, अब नीचे लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अभी तो अपने अनुसार कर रहे थे, यक्स इक्वल टू वाई, क्यों, क्योंकि जो दहाई का अंक है मतलब यक्स, वो इकाई के अंक यानी कि 2y के बराबर है, मतलब उसका दो गुना है, इतना ठीक है। अब
प्रश्नानुसार में दो कंडीशन थी, ये तो पहली हो गई समीकरण एक। दूसरा कंडीशन, यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या पहले से 36 कम हो जाएगी। अंकों का स्थान कैसे बदलोगे जी? अंकों का स्थान का मतलब जैसे 45 है तो आप इसको 54 कर दो, ठीक ना, मतलब 5 को आगे 4 को पीछे कर दो, इसी को कहते हैं अंकों का स्थान बदलना। तो इसमें हम कैसे बदलेंगे अंकों का स्थान? ये संख्या थी, ये संख्या है ना, अंकों का स्थान बदलने का मतलब y की जगह पर x और x की जगह पर y कर दोगे, ठीक ना। तो क्या होगा पता है? ये हो जाएगा 10y प्लस x। तो प्राप्त नई संख्या जो होगी वो इस संख्या से क्या होगी, 36 कम हो जाएगी पहले वाली से। तो पहले वाली संख्या क्या है? पहले वाली संख्या मतलब ये 10x प्लस y माइनस का 36। बस इसी को आपको हल कर लेना है। समीकरण एक और समीकरण दो हो गए आपके सामने, दोनों आ चुके हैं, इनको आपको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसी क्रम में आगे अगर चलेंगे तो आप ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा, और वो क्या है ध्यान देना। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना जल्दी करें, हो गया। देखिए अब क्या करेंगे, इसमें एक काम करना है वो कि पहले इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, नॉर्मल कर लीजिए, उसके बाद आप यहाँ से x वाला मान ला करके समीकरण एक से इसमें रख देना, एक्स वाई के मान आ जाएंगे, यही करना है, ठीक। चलिए इसको नॉर्मल करोगे तो क्या होगा, ये 10y और आगे क्या होगा, इधर वाला y इधर आएगा तो y हो जाएगा, और ये धन x, और ये इधर का 10x आएगा इधर, और ये 36 माइनस का था तो ये माइनस का 36 हो जाएगा, ठीक। इतना बात क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 9y और फिर ये माइनस का 9x बराबर माइनस का 36। अब क्या करोगे, अब वहाँ से ला करके मान इसी में रख दोगे, किस में रखना है, इसी में रख देना है। समीकरण एक से लिखिए x का मान, ये समीकरण दो आप यहाँ पे ला के लिख लो इसको, क्योंकि फाइनल यहाँ हो रहा है ना, समीकरण दो में रखने पर। चलिए x के मान क्या है ये देखो पहले ध्यान से, x का मान देखो 2y है ना, तो 2y चलिए ला के रख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, ओके ठीक है। चलिए साथ में आगे करते हैं, ऊपर साइड में देखो इधर राइट साइड। चलिए y का मान इसमें जब रखोगे x का मान तो क्या होगा, ये 9y माइनस 9x इक्वल 36 है माइनस में, इसको हमने उधर लिखा, और 9y माइनस 9 इंटू वाई की जगह x की जगह पे क्या रखोगे, x की जगह पे 2y समीकरण एक से, तो ये 2y हो गया। इस तरह से 9y माइनस 18y इक्वल माइनस का 36 सबट्रैक करोगे, देखो घटा बड़ी है ये मतलब क्या है, ज़्यादा बड़ा है ये छोटा है, तो माइनस का 9y इक्वल माइनस का 36, तो y इक्वल माइनस का 36 अपान माइनस का 9, यानी कि 9 चौक 36, y का मान क्या आ गया, 4 आ गया। इतनी बात क्लियर है ना, जल्दी से नोट कर लीजिए, y का मान आ गया। अब x का मान आप निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ पे लिखो आता है x बराबर क्या है, x बराबर 2y था, तो सिंपल सी बात है x का मान हो जाएगा 2 इंटू 4 इक्वल 8, मतलब x 8 आ गया, y कितना आ गया, 4 आ गया, तो संख्या बराबर निकाल लोगे। जल्दी करिए, इसी में मान रख देना है 4 और 8 जो भी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो हम आगे बता देते हैं थोड़ा से, हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लिए या वीडियो को रोक करके लिखिए। देखिए जब तक हम बोलते हैं उतना देर में आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ठीक ना, नहीं अगर ले पाए तो फिर बाद में थोड़ा पीछे करके लिखिए। संख्या आपने देखा था 10x धन y था, जो कि हमने माना था, आपने देखा था ना, तो अब क्या करोगे, 10 और x का मान 8 है और y का मान क्या है, 4 है, इस तरह से लगाओगे तो 10 8 80 और 4 ये इक्वल हो जाएगा 84। ये 4 आप कई तरह से लिख सकते हो, कुल मिलाकर के फाइनल में कितना आ गया, 84 है ना। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस तरह 8 का भी खत्म हो गया, 8 भी, अब थोड़ा सा बचा है उसको भी हम खत्म कर देंगे, तो ये युगपत समीकरण खत्म हो गया।
अब आपके लगभग 8 से 9 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, थोड़ा सा और बचा है क्लास 8 में, वो भी जल्दी से ही हम खत्म कर देंगे, फिर 9th वाला मैथ आपका एक बार फिर से रिवीजन करवा देंगे, ठीक ना। अगर आप इन क्लास को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो PBR स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक करें, और हाँ फेसबुक पर आप लिखेंगे PBR स्टडी तो आपको पेज मिल जाएगा, सर्च करेंगे अगर लिख के तो, और उसको आपको लाइक करके फॉलो कर लेना, जिससे आपको वहाँ पर सारी फ्री की क्लासें मिल सकें। और मित्रों अगर आपको बिल्कुल VIP सुविधा लेना है, व्हाट्सएप पर सारी क्लास प्राप्त करना है, तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन क्लास 8 लिख करके मैसेज करना है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, आपको पूरा कंप्लीटली मैथ करने के लिए अगर सिर्फ 8 का करेंगे, केवल कक्षा 8 का करेंगे, तो आपको मात्र ₹400 का पेमेंट करना है कक्षा 8 के लिए सिर्फ। ये नया ऑफर इस महीने के लिए है, इसके पहले अभी ये ₹600 था, ₹800 भी था, फिर कम हुआ, फिर ज़्यादा हुआ, ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक। और हाँ अगर आप 1 to 8 करना चाहते हैं, 1 to 8, तो आपके इस मंथ के लिए मतलब नवंबर के लिए 15 नवंबर तक आपका 1 to 8 तक आप कर सकते हैं, कितने में, 549 में, 549 में। तो बस आज के लिए इतना ही, नहीं तो अगर आप इसको भी कुछ भी मत करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखिए और क्लास देखते रहिए। 0 लेवल बेसिक मैथ सुबह 5 बजे से होती है PBR स्टडी इलाहाबाद चैनल पर, PBR स्टडी ग्रुप चैनल पर शाम को 7:30 बजे से होती है, और PBR स्टडी के फेसबुक पेज पर ये क्लास आप दोपहर 11 बजे से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, मैथ आसान है चैनल पर इस क्लास को आप शाम 4 बजे देख सकते हैं, हो सकता है किसी चैनल पर टाइम में बदलाव किया जाए जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी कम्युनिटी टैब में। जय हिंद, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे, बस थोड़ी देर में इंतज़ार करिएगा, जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास में।